मैं सुरेंद्र मिश्रा फिल्म राइटर हूँ और ये जो रवि किशन जी की फिल्म है हिंदुत्व, उसे लिखने की जिम्मेदारी मुझे भैया ने दी है, प्रेम भैया ने, और मैं उनका दिल से बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे उन्होंने इसके काबिल समझा। सर, इससे पहले आपने कोई फिल्म अभी तक लिखी? इससे पहले अभी सर मैं नाम गिनाना चाहूँगा तो 150 फिल्मों की लिस्ट है। मुख्य मुख्य बता देता हूँ, परिवार लिखी है, विदाई दिनेश जी की होगी लतारोनिया वाली से, फिर खां जी बा राजा नजरिया लड़ाते, फिर खेसारी जी की तेरे नाम, खिलाड़ी, माँ तुझे सलाम, बहुत बड़ी लिस्ट है सर। कर्तव्य, कुरुक्षेत्र, मारदर गोली, हाँ सर। सर अगर बात करें हम हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व सर किस तरह की फिल्म है और कैसा कॉन्सेप्ट है? सर इसका मैं ना जवाब एक किस्सा सुना के छोटा सा दूंगा, 30 सेकंड का है। एक बार हमारे देश के संसद में आवाज़ उठी थी, हमारे बनारस में एक है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो आवाज़ उठी थी कि ये हिंदू शब्द निकाल दिया जाए। तो इसके जवाब में कहा गया कि जब वो विद्यालय बना है तो उस विद्यालय का जो सांचा था ईंट का, ईंट के ढलाई का, उस सांचे को खुदा गया था, उस पर लिखा गया था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो बताया गया कि अगर ये हिंदू शब्द निकालना है तो बोर्ड के निकालने से नहीं होगा, जो बोर्ड पे लिखा है इसकी हर ईंट से निकालना होगा, फिर दीवार तोड़नी पड़ेगी, वहाँ से ईंट ईंट पे लिखा गया है तो उस हर ईंट से हिंदू शब्द को निकालो, फिर न्यू को खोदो, न्यू में जो ईंट पड़ी है उसमें भी हिंदू लिखा गया है। तो मैं ही कहना चाहूँगा कि हिंदू है तो भारत है, हिंदुत्व भारत की न्यू में है, और इस देश का नाम भी हिंदुत्व, भारत के नाम पर भारत पड़ा, तो हमारे देश का बहुत बड़ा इतिहास है हिंदुत्व। सर आपको ऐसा नहीं लगा कि हिंदुत्व जैसा कॉन्सेप्ट लिखने पर जी कहीं ना कहीं जो एक तरह से सेक्युलरिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा, या विशेष प्रजाति या जाति को जो है महत्व इसमें मिलेगा, इससे जो है समाज में दूसरे तरह की जो भावनाएं, हीन भावनाएं जो है और जातियों के प्रति फैल सकती हैं, जैसे जो मुस्लिम समुदाय है या और कई तरह की? मैं कई ऐसे सूफी संतों का नाम लूँगा जो हिंदुत्व की राह पे चले हैं, संत कबीर, रहीम, कृष्ण के बारे में लिखा, रस खान, बोलते हैं कि पाहुन हो तो हूँ रस खाना, वो अपनी कविता में कहते हैं कि मैं पत्थर बनूँ तो जमुना किनारे रहूँ, तो हिंदुत्व तो सबके लिए है सर, वो एक ऐसा मंच है जो हर जाति हर संप्रदाय के बल्ली बांस से जुड़ा हुआ है, मिलकर बना हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुत्व को लेकर के जो अफवाहें फैली हैं कि हिंदू कट्टर होते हैं, हिंदू होते हैं, हिंदू शब्द ही उदार है, तो हिंदू एक क्या बोलूँ मैं, सनातन है हिंदू, तो सनातन कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, लेकिन कोई आप पे अटैक करता है तो उसका जवाब न देना तो कहता है ना, वो कोई ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो हमारा ग्रंथ भी नहीं कहता है, रावण को मारने के लिए राम ने भी अस्त्र उठाया था, समुद्र ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने अग्निबाण चलाने के लिए तैयारी की है, तो समुद्र माना, सठे सठम समाचारे। तो आप इस फिल्म से किस तरह की उम्मीद करेंगे, फिल्म कैसा जाएगा भविष्य में, जब ये फिल्म बनेगी, इसका निर्माण शुरू होगा? जी सर, इसका रिजल्ट आप किस तरह से देंगे? इस फिल्म को प्रेम राय जी जो हमारे निर्माता हैं, काफ़ी भोजपुरी हिट फिल्में बना चुके हैं, और ये खुद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी USP यही है कि इसके डायरेक्टर प्रेम राय जी खुद हैं, तो सोच लीजिए वो पहली बार निर्माता के बाद पहली बार डायरेक्शन करने जा रहे हैं, तो फिल्म तो अद्भुत होगी, और ऊपर से रवि किशन जी हैं, उनका करेक्टर ही चरित्र ही। सर एक एज ए बात करें, एक राइटर की, आप एक राइटर हैं, आपने इतनी हिट फिल्में दी हैं, तो आप जो है लिखते समय आपने क्या इमेजिन किया था, आप अपने दिमाग में लाए थे कि इस फिल्म का जो है नायक रवि किशन जी ही रहेंगे? ये प्रेम भैया का डिसीजन था, प्रेम भैया ने का ही डिसीजन था, और एक ज़मीन उन्होंने दी है, अच्छी ज़मीन दी है, इस उसी पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, किसान अच्छे हैं, ज़मीन अच्छी मिली है तो फसल अच्छी उगेगी। सर आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।